भाई क्या बताऊं यार, अच्छा वो उसने मेरा नाम नहीं लिया। वो नाम नहीं लेती ना, मैं उसे सच बता मैं छोड़ता नहीं। हाँ यार किससे बात कर रहे हो बेटा? नहीं मुझे ऐसी आदत डाल दी थी करने की ये सब, कि मतलब हर मीटिंग पे वो करती थी। ये आवाज तुम्हारे क्लास में श्वेता जैसी नहीं लग रही? नहीं डैड। बताओ यार क्या हो गया तुम्हारी जनरेशन को, वो लड़का कैसा फील कर रहा होगा? क्या बताऊं डैड मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मैं मतलब वो डैड वो कैसा फील कर रहा होगा डैड वो? लेट मी गेस, पंडित तो तुमसे अक्सर डेटेड होगा। डैड ऐसा कुछ भी नहीं है डैड, मानता हूँ मेरी बात है बट मैं सेक्स रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं डैड, वो झूठ बोल रही थी डैड। चल 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 ऐसी बात है तो बता सकते। नहीं डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, वो झूठ बोल रही थी। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कितने भरोसे के साथ उस लड़की को मैंने सारा बात बताया था। भाई तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, आज तक मैंने तुझे नहीं बताया था। हाँ ना यार किसी ने सही कहा है, जो भरोसे वाले होते हैं ना वही हो। तब डैडी सुअर से सकल गया कुछ सुना रहा, ध्यान से सुना। कोई लड़का ना अपनी इतनी सीक्रेट्स इतनी सारी चीजें तक नहीं बताता, उसने मेरे को एक एक चीजें बताई। ये वही श्वेता है ना जो तुम्हारे साथ पढ़ती है? नहीं डैडी। बताओ क्या जमाना आ गया, ऑनलाइन बदनाम कर दिया बेचारे को, क्या कसूर था? सेक्स एडिक्टेड था ना? सेक्स एडिक्टेड डैडी चुप। एक जमाना था जब हम भी सेक्स एडिक्ट हुआ करते हैं, और नहीं तो क्या। अभी सेक्स एडिक्टेड थे डैडी, मुझे बड़ा फक्र होता कि तू भी सेक्स एडिक्ट। वैसे एक बात बताई डैडी। कहो क्या बाकी रह गया? वो जो श्वेता है ना वो मेरी फ्रेंड है, वो तो हमको पते है। जो बात है वो हम ही शेयर किए उससे, मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मतलब तुम कहना चाहते हो तुम्हारी बात हो? हाँ, तो आप भी हम पे फक्र कीजिए पिताजी, जेनेटिक जेनेटिक है ये। आजा गले लग जा। अरे वहाँ मेरा सिक्का गिरा, थोड़ा उठा देना। कहाँ दे दे? वाह 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 वाह, आगे ना आगे। ये ये लड़की पढ़ा है ना? बेटा बेटा उठो, वेक अप ना। बेटा बेटा उठो, वी आर ऑलरेडी लेट ना बेटा। डैड मुझे सोने दीजिए ना प्लीज। उठो ना, और कितना सोओगे? 10 मिनट और। तो 10 मिनट और सोना है ठीक है। तो जो शर्मा अंकल के यहाँ पार्टी होने वाली है वो मैं कैंसिल कर देता हूँ। डैड 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 एक मिनट डैड, मैं उठ गया डैड प्लीज। अरे यार पार्टी कैंसिल कर लेंगे लोग। सकलत मंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित रहित भाव सिंधु बिना जलियान, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बुड्ढा अपना इनाम लेकर के भगवान को उल्लू बनाता रहता है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अरे क्या हरि ओम हरि ओम लगा के दिन भर अपने नाम जपते रहते हो? सॉरी पापा, पापा गलती हुई पापा, जो है हाय बेबी। बेबी आपको पता है कल क्या है? कल वैलेंटाइंस डे है, आपको तो कुछ याद भी नहीं रहता। और मैंने आपके लिए कोई सरप्राइज रखा है। अब सरप्राइज ही बताने की चीज होती है क्या?
आप बस कल आ जाना, मैं जहाँ बोलूँगा। नहीं आ पाऊंगी मतलब? अरे मैं भी तो अपने डैड को मैनेज कर रहा हूँ ना यार, तो अपनी मम्मी को मना लो। हाँ बाद में बता। ये लोटा कौन था? ऐसे बात हो रही थी, बड़ा पापा का जिक्र हो रहा है। वो बस फ्रेंड से बात हो रही थी पापा। कौन फ्रेंड, दिखाओ जरा। वो बी ब्लॉक वाली डॉक्टर आंटी ना, उनकी बेटी, बस ऐसे फ्रेंड हम लोग बात करते हैं। वो शीतल जो फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। हाँ डैड, सब समझता हूँ मैं, एज ए फ्रेंड क्या होता है। बड़े खुश नजर आ रहे हो आज। अरे वो जो शीतल है ना, वो मेरी क्लासमेट रही है। अच्छा, आपने बताया नहीं कभी? वो तो हमारी कास्ट मैच नहीं है, तो तुम्हारी मम्मी होती है। मम्मी होती? कुछ नहीं, कुछ तुम एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। मम्मी होती? बेबी एक गाल पे किस्ती दीजिए ना। बेबी मैं क्या बोल रहा था, आज शाम में घूमने चले क्या बाहर? 7 बजे। 7 4 4। 7 बजे? कुछ नहीं बेबी कुछ नहीं, हाँ 7 बजे मिलते हैं। ओके बाय। आज तो मजा आ जाएगा। आराम जाते शीतल आंटी की बेटी थी पापा। साले शीतल की बेटी मतलब आंटी पापा। अब बोलते क्या हुआ बेटा, बड़े उदास लग रहे हो। कुछ नहीं डर, पक्का ना? अच्छा ठीक से बैठो यार। टर रवि ने रिजल्ट डाला हुआ है, तुमने बताया नहीं तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? डैड मैं फेल हो गया हूँ, मैं आपको बता नहीं पा रहा था डैड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बेटा तो ये बात थी जो तुम इतना परेशान थे। हाँ डैड। कोई बात नहीं बेटा, होता है, अगले साल मेहनत करना और अच्छे मार्क्स लाना। डैड मैं क्या करूँगा, मेरी जॉब कैसे लगेगी? बेटा जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, फेलियर इज द की टू सक्सेस। इसमें परेशान नहीं होते। चलो हंसो, पापा को हंसकर दिखाओ। हंसो हंसो, चलो गुड बॉय। रिजल्ट का क्या हुआ? गजोधर का लड़का मिला रहा तुम्हारे साथ है ना? दरिया को फर्स्ट डिवीजन आया, तुम बताए नहीं? क्या बताएं डैडी, हम फेल हो गए डैडी, तो माथा फट रहा मेरा, हमें कोई समझ में नहीं आ रहा हम क्या करेंगे आगे। ऊपर से और नीचे जरा दिख रहा है डैडी। इधर बेटा, बेटा परेशान नहीं होते। अरे मेरे बेटा इधर, बहुत डिप्रेशन हो रहा है हमको। बाप बाप रे बाप, डिप्रेशन बाप के पास डिप्रेशन हो रहा है डैडी। मैं बेटा से चुप 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 चुप, एक बात बताओ तुमसे खेत करवाते तो तुमको डिप्रेशन तो नहीं हो सकता? डैडी 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 चुप 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 चुप, बाल बच्चे का टेंशन कैसा डिप्रेशन है? चुप 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 चुप, पढ़ने के लिए छोड़ा था ना, एक को काम घर का करियो तो फिर कहाँ डिप्रेशन हुआ? काम तो होता नहीं है बहाना बना के। चुप, मौकी जैसे चिल्ला है। उतार डिप्रेशन क्यों उतार? हाय गाइस, ये मैं हूँ
यहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं और पार्टी हो रही है। सब ठीक तो है? अरे रूम में पड़ा हुआ एंजॉय बेटा एंजॉय। आज मेरा बाप बाहर गया है और ये हम हैं और ये मेरे फ्रेंड्स।